तो दोस्तों जिस ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार था वो ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गया है। मैं यहाँ बात भूल भुलैया 3 की बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज हुआ है और बॉस क्या ट्रेलर है। 5 मिनट का इतना बड़ा ट्रेलर, ऐसा लग रहा था कि भाई कौन देखेगा यार इतना लंबा ट्रेलर, बहुत बोरिंग हो जाएगा। लेकिन कितना इंटरेस्टिंग, कितना ज्यादा पावर पैक ट्रेलर था ये, मतलब मजा आ गया देखने के बाद। अजय देवगन, करीना कपूर खान, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, इतनी लंबी इतनी बड़ी स्टार कास्ट। और ट्रेलर की स्टार्टिंग भी बहुत सुपर्ब, कॉन्सेप्ट अमेजिंग। बॉलीवुड वालों ने आखिरकार ये समझ लिया है कि भगवान जो, हिंदुओं के भगवान जो है, सनातन धर्म को आप हर्ट करके नहीं बल्कि इसका सम्मान करके ही आप जो है लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। रामायण का कॉन्सेप्ट लेने के बाद, रामायण के कॉन्सेप्ट पर ये फिल्म बनने जा क्या रही है, बन गई है, रिलीज होने वाली है 1 नवंबर को, दिवाली के दिन। और ये परफेक्ट गिफ्ट होगा दिवाली पर ऑडियंस को। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि मॉडर्न डे रामायण बनाई है रोहित शेट्टी ने, जहां पर जो कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के उनको एज इट इज दिखाया गया है जैसे रामायण में अदर कैरेक्टर्स थे, जैसे कि अजय देवगन हो गए भगवान श्री राम, करीना कपूर खान हो गई माता सीता, अक्षय कुमार जटायु हो गए, हनुमान जी हो गए रणवीर सिंह, और इसके अलावा जो है लक्ष्मण के रेफर कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को रेफर कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ। अब यहाँ पर बात ये आ जाता है कि दीपिका पादुकोण क्या है। देखिए मेरी थ्योरी ये है कि यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है वो ट्रेलर में भक्त टाइप दिखाई गई है सिंघम की, तो ऐसे में वो शबरी को रेफर कर सकती हैं। लेकिन क्या अमेजिंग ट्रेलर था। ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है करीना कपूर खान से, वो राम जी के बारे में लेकर के बात कर रही होती है कि रामायण उनकी आगे बढ़ रही है, राम जी को 14 साल का वनवास मिलेगा। वहीं उनका जेंजी लौंडा जो है वो कहता है कि यार ये सब तो फालतू की चीज है। फिर उसे अजय देवगन करेक्ट करते हैं, जब वो उनका लौंडा पूछता है कि माँ को किसी ने किडनैप किया रावण टाइप विलन ने, तो बाप बचाने जाएगा, तो बाप कहता है कि बेटा गूगल कर ले तेरा बाप कौन है। इसके बाद एक्शन शुरू हो जाता है और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मैं कहूंगा कि बहुत ट्विस्ट या बहुत सस्पेंस नहीं रखा है, सब कुछ तो खोल दिया है ट्रेलर में। लेकिन ये जो ओपन ट्रेलर रखा है ना, ये जो ट्रेलर खोला है, इससे बहुत ऑडियंस जो है रोहित शेट्टी को बिग स्क्रीन पर मिलने वाली है, क्योंकि इसमें अर्जुन कपूर एज रावण रेफर कर रहे हैं, वो भी लंका में, और किडनैप करेंगे अवनी यानी कि करीना कपूर को, और उन्हें बचाने के लिए जाएंगे बाजीराव सिंघम। एक डायलॉग इसमें आता है कि मैं गांधी जी की इज्जत जरूर करता हूं लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजता हूं, यानी कि भैया मैं एक गाल पे थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे नहीं करता हूं, हाथ ही उखाड़ देता हूं। ट्रेलर बहुत ज्यादा अमेजिंग था और मैं ये कहना चाहूंगा इस ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट 4 मिनट पे आता है, जब अक्षय कुमार आते हैं हेलीकॉप्टर पे। अक्षय कुमार एज एक्शन हीरो, वो सब पर भारी पड़ते हैं और इस बार भी उनका स्टाइल बहुत अमेजिंग रहा। एक दिक्कत ट्रेलर में नजर आई है, दीपिका पादुकोण जो कि बहुत बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उन्हें रणवीर सिंह जैसा बनाने की कोशिश की गई है, यानी कि जैसे रणवीर को बहुत लोलू चोमू सा दिखाया गया है ना इस पूरे ही यूनिवर्स में, ऐसा ही कुछ चोमू दिखाने की कोशिश यार दीपिका को भी की जा रही है। आपके पास लेडी इंस्पेक्टर थी, आप उन्हें थोड़ा सा बोल्ड, मतलब ऐसा बना सकते थे गुस्सैल टाइप का, लेकिन यार थोड़ा जोकर बना दिया दीपिका पादुकोण को। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद तो नाइंसाफी होगी कहना, फिल्म देखते हैं क्या पता वो बहुत अच्छा करके दिखा दे। लेकिन इस ट्रेलर में एक और अच्छी बात कि लास्ट में सारे एक साथ सब के सब तबाही मचा रहे हैं, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है। लेकिन एक ही बात ये है कि सब कुछ तो दिखा ही दिया है, अब और क्या है भाई। फिल्म तो बहुत बड़ी होने वाली है, शायद सबका कैमियो दिखाने के लिए जो है इतना बड़ा ट्रेलर बनाया गया है, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत बड़ी मिस्टेक है भूल भुलैया 3 की। क्यों? क्योंकि सिंघम 3 का जब ट्रेलर हमने देखा, यानी कि जब ट्रेलर की कॉन्सेप्ट, जब फिल्म का कॉन्सेप्ट पता चला पूरा रामायण के ऊपर है, वहीं भूल भुलैया 3 फिर से वही घिसी पिटी स्टोरी, मंजुली का रू बाबा, कार्तिक आर्यन एज रू बाबा, सेकंड में ही कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, 3 में कौन एक्सेप्ट करेगा।
और वही रिक्रिएट करे जा रहे हो पुराने सीन्स को। विद्या बालन ने वही पलंग उठा लिया। टीजर इतना बोरिंग था, ट्रेलर में भी उतना मजा नहीं आने वाला है, तो ये बड़ी मिस्टेक होने वाली है। और मुझे तो यहाँ से क्लियर विनर सिंघम अगेन नजर आ रही है। बहुत जबरदस्त ट्रेलर, आप देखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 5 मिनट बीत गए। तो वेल, बेस्ट ऑफ लक, इस बार जो है दिवाली पर धमाका होने वाला है। तो देखते हैं इस यूनिवर्स के कितनी लॉटरी लगने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा सिंघम अगेन का ट्रेलर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।